गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आ गए सभी सभी लाडले और लाडली आ गई हमारी। चलो तो बच्चा, इस क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो बाबू, ऐसे मज़ा नहीं आ रही है। ठीक है, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ भी आप जुड़े हो हर जगह शेयर कर दो। आपको क्या करना है, सिंपल सा है, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लिंक को ले जा करके लगा देना है। वहाँ पे लिख देना है कि क्लास 9th का साइंस का क्लास शुरू हो चुका है, पे ट्विटर पे जहाँ। ठीक है भैया, शेयर करके आ जाओ बाबू जल्दी से। जितने भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे वो कमेंट कर पाएँ, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए आपका लाइव सेशन में कमेंट नहीं आएगा, ये आप लोग देख पा रहे हो। हमारे साथ बहुत से बच्चे जुड़े हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं, जैसे कि मोहम्मद तारिक जी सबसे पहले से कमेंट कर रहे थे, वहीं प्रियंका जी कमेंट कर रही हैं, और इनमें और भी हैं, यशराज सिंह हैं, राम रूप तिवारी हैं, सचिन चौधरी हैं, और मुस्कान साहू, और इनके साथ साथ आदित्य कुमार भी जुड़े हुए हैं। आदित्य कुमार के साथ साथ जो कमेंट आ रहा है वो है ऑफिशियल पीयूष, शालिनी मौर्या और अश्विनी, लौकुश चौधरी और इरफान अंसारी। इनके साथ साथ और भी तमाम बच्चे जुड़े हैं, माफ़ी चाहते हैं, सबका नाम यहाँ पे लेना पॉसिबल नहीं है। तो चलो बेटा शुरू करते हैं पढ़ाइयाँ, लेकिन आप लोग शेयर करके आओ भाई 2 मिनट प्लीज, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। 100+ बच्चे करो कम से कम, तब मज़ा आएगा ना। देखो अभी तक रिवीजन हो रहा था, सबसे बड़ी बात ये भी है, आप अपने दोस्तों को बता दो कि रिवीजन बंद हो गया, आगे पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि रिवीजन के चक्कर में बच्चे नहीं आते थे। बच्चों को लगता था कि रिवीजन नहीं करना, मुझे आता है। ठीक है, बेटा स्लो मोड ऑफ कर दिया है सचिन चौधरी, जल्दी शेयर करके आओ तुरंत। ठीक है, शेयर करके आओ, लेकिन कॉपी पेस्ट ना करो बेटा, तुम्हारी हरकत से ही स्लो मोड ऑन होता है, जो तुम कॉपी पेस्ट करते हो उसके बाद। तभी तुरंत शेयर करके आओ, देर ना करो। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग आदित्य जी, गुड मॉर्निंग। चलो तो आप लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, आपके पास पूरे के पूरे 2 मिनट हैं बाबू। हाँ, सिर्फ 100 बच्चे करो, तुरंत हम शुरू करते हैं। चलो देखो क्या पढ़ना है, वो सबको क्लियर है, अभी अभी मैंने बताया था सारी जानकारी आपके दूसरे चैनल पर, और अगर आपको नहीं पता तो आपके सामने लिखा है। आज हम पढ़ेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, निलंबन इसे बोलते हैं बेटा, ये निलंबन क्या है इसके बारे में हम बिल्कुल गहराई से पढ़ेंगे। ठीक है, हमें सब पता है कौन शेयर करता है कौन नहीं करता है, और कौन लाइक भी नहीं किया, मुझे सब पता है बेटा। देखो इसमें तुम्हारा ये नुकसान होगा कि तुम इसके आगे की क्लास नहीं देख पाओगे अगर नहीं करोगे तो, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, इसके आगे की क्लास में ना तुम कमेंट कर पाओगे, ना तुम्हारा नाम बोला जाएगा, और ना तुम जुड़ी पाओगे। तो सीधा सा बात है, शेयर कर दो, लगना कुछ नहीं, ना तो तुम्हारा पैसा रुपया जा रहा है ना तुम्हारा, हम तुमसे कह रहे हैं चलो झाड़ू लगाओ, इतना कोई खतरनाक काम भी तो नहीं करवा रहे हैं ना, सिर्फ शेयर करना है। वैसे भी तुम फालतू का कूड़ा कचारा शेयर करते रहते हो, इसको ही शेयर कर दो। प्रिया जी गुड मॉर्निंग, यशराज सिंह, प्रोटिस इंग्लिश होगा बेटा, होगा, जो हो रहा पहले उसे देखो। संजय सिंह गुड मॉर्निंग, सोनू, नाभ्या गुप्ता, रवि जी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। तो सभी बच्चे क्लास को लाइक करके शेयर कर दो बाबू, जल्दी से देर ना करो। थोड़ा सा वेट करता हूँ। चलो मुझे सब पता है कौन नहीं कर रहा है, इसमें कुछ बच्चे हैं जो लाइक भी नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मुझे मालूम चलेगा नहीं, वो देख लेंगे। तो चचा हम यही करते हैं रोज, जिंदगी भर बुढ़ा गए करते करते, देखो बाल पक गया खोपड़ी का, हमें पता चल जाता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दो बाबू, उसके बाद फिर हम तुरंत आगे बढ़े। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 100 करना है, लगभग 75% पूरे हो चुके हैं, सिर्फ 25% बचे हैं। जितने भी नए साथी हैं उनको क्या करना है, सिर्फ लाइक की बटन पे क्लिक करके लाइक कर देना है,
शेयर पे क्लिक करना है, व्हाट्सएप सेलेक्ट करना है, जो भी आपके लगता है गधे दोस्त हैं पढ़ने वाले उन पे सेलेक्ट कर लो, सेंड कर दो, उन्हें एक मैसेज लिख के भेज दो सबको कि क्लास 9th का साइंस क्लास पढ़ो बिल्कुल फ्री। बस हो गया, चाहे पढ़े चाहे भाड़ में जाए, तुमसे क्या मतलब है, तुम भेज दो बस। बेटा जो चैटिंग कर रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल नहीं करने देंगे हम, ये भी जान लो, अगर 100 नहीं पूरा करें ना तो मेरा दिमाग जो है ना वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जो ये चैटिंग कर रहे हैं मस्ती से, उनको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है, शायद वो आवाज़ भी बंद किए होंगे, वो सिर्फ चैटिंगें कर रहे हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ, चैटिंग करने वाले सभी बच्चे पहले शेयर करें, नहीं तो उन्हें तुरंत ब्लॉक करेंगे। चैटिंग करने वाले बच्चे तुरंत शेयर करें, नहीं तुरंत ब्लॉक होंगे। ठीक है, तो बच्चा चैटिंग करने का यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन दिया गया है, तो तुम शेयर नहीं करोगे अगर, तो फिर क्या होगा बताओ। ठीक है बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, चलो ठीक है, ओके। पीयूष पाठक जी, राम राम। गोविंद जी हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। सचिन चौधरी, कौन सी मुसीबत आ गई, देखो क्वालिटी लो कर लो बेटा, जिसके में डाटा कम है ना क्वालिटी लो कर लो, लो क्वालिटी में देखो, क्योंकि हमारे यहाँ HD में दिखाया जाता है, तो तुम्हारा डाटा ज़्यादा लग रहा होगा, HD में मत देखो। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप लोग शेयर करके आओ और क्लास को लाइक करो, जैसे 100 हो जाएंगे तुरंत शुरू, कोई रोक नहीं सकता रोकने से। हाँ जैसे 100 हुए तुरंत शुरू, कोई नहीं रोक सकता फिर। हाँ चलो, बेटा आदि त्रिपाठी तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूँ। हाँ सचिन चौधरी, जो तुम ये गुड मॉर्निंग जो ही कर रहे हो, मैं ये भी देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, मैं तुम ही लोग को देख रहा हूँ, मैं पढ़ाने लगूंगा तो नहीं देखूंगा, तुम शेयर कर दो पढ़ाने लगूंगा तो फिर अपना बातचीत कर लेना, जो भी तुम्हारे दिल की बातें हैं, हाँ अपने अरमान पूरे कर लेना, लेकिन हाँ पढ़ना भी, सिर्फ अरमान ही पूरा नहीं करना, नहीं तो ज़्यादा अरमान तो पढ़ाई की वजह से टूट जाता बेटा। पांडे जी आ गए तुम, चलिए तो जो हमारे खिलाड़ी गए हैं शेयर करने, लौट के आएंगे तब तक 100 हो जाएगा। तो नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार PVR स्टडी में। तो बच्चों आप लोग पढ़ रहे थे क्या, साइंस है ना, साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे निलंबन। निलंबन में बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, निलंबन को इंग्लिश में सस्पेंशन बोलते हैं, इसको हमने कुछ नहीं पढ़ा था अभी तक। इसमें आपका दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये चैप्टर का नाम है। तो हम लोगों ने अभी तक इसमें शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने इसमें मिश्रण पढ़ा है जिसमें समांगी और विसमांगी मिश्रण पढ़ा है, विलयन पढ़ा है, संतृप्त और असंतृप्त विलयन पढ़ा है, विलयन के गुण पढ़ा है, मिश्रण के गुण पढ़ा है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे निलंबन। निलंबन यानी सस्पेंशन क्या होता है, तो बच्चा इसके उदाहरण के माध्यम से तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहानी अगर बताएं तो कहानी तुम्हें कम समझ में आएगी। हाँ सुन लो एक बार फिलहाल, देखो निलंबन क्या होता है, ये एक विसमांगी मिश्रण है, मिश्रण के बारे में पहले ही पढ़ चुके हो। निलंबन क्या है, एक विसमांगी मिश्रण है जिसके कण घुलते नहीं हैं, जिसके कण आपस में घुलते नहीं हैं, लेकिन मध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, मध्यम की समष्टि। देखो ये समष्टि एक अलग सा वर्ड है, अभी इसके बारे में उदाहरण समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, हिंदी कम समझ में आती है ना। क्या है, मध्यम की समष्टि में क्या रहते हैं, निलंबित रहते हैं, ये निलंबन कहलाता है। इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझोगे तो बेहतर समझ में आएगा बेटा। जैसे उदाहरण है,
आटे तथा पानी का मिश्रण, आटा तथा पानी। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं रोटी खाते हैं, हम लोग आटा को क्या करते हैं, गूंथते हैं पानी डाल के, तो क्या बनता है, आटा गूंथ जाता है, जिसे बोलते हैं आटा गूंज लिया, आटा सान लिया। फिर रोटी बनाते हैं, कोई इतनी मोटी मोटी बनाता है तो कोई एकदम पतली बनाता है, कोई गोली गोली रोटी बनाता है तो कोई भारत का नक्शा बनाता है। भारत का नक्शा वाली रोटी हम भी बना लेते हैं, हाँ। तो वो अपने अपने अभ्यास पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें से कितने लोग हैं जो रोटी बना लेते हैं, हाँ बताओ, रोटी बना लेते हो? अरे ब्रेड भी बोलते हैं शायद इंग्लिश में ना इसे, तो ठीक है, रोटी बनाना सबको आना चाहिए। दूसरा उदाहरण है बेटा इसमें तेल तथा पानी का मिश्रण, आयल एंड वाटर का जो सोलूशन, सॉरी मिक्सचर है, हाँ वैसे तो सोलूशन बोलेंगे उसे, लेकिन यहाँ पर आप इसके मिश्रण के रूप में भी ले सकते हो, पानी और तेल का मिश्रण। हाँ, पानी और तेल का मिश्रण जो है वो क्या है, वो भी निलंबन का एक उदाहरण है। देखो एक्चुअली इनके जब गुण पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा तुम्हें, निलंबन का मतलब है कि जिन दो मिश्रणों को आपस में मिलाया जा रहा है वो घुले ना आपस में पूरी तरह, अलग अलग दिखें, नहीं पूरी तरह से ना घुलें, वो क्या करें, अलग अलग दिखें। ठीक है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, एक प्रकार से निलंबन के मिश्रण कहते हैं। ये निलंबित कण जो हैं आँखों से देखे जा सकते हैं, आँखों से देखे जा सकते हैं निलंबित कण, समझ रहे हो ना। जैसे तुम आटे में पानी डाल देते हो तो क्या होता है, पानी अलग दिखता है कि नहीं, गूंथने की बात छोड़ दो, मारो गोली। तुम एक कटोरी में आटा लो और उसमें थोड़ा बीच में गड्ढा कर लो, उसमें तुम 10-20 बूंद पानी डालो तो क्या देखोगे, देखोगे तुम्हारा पानी बीच में अलग दिख रहा है, आटा अलग दिख रहा है ना, बोलो दिखेगा कि नहीं, करके देख लेना, गधों अगर नहीं समझ में आ रहा तो देख लेना करके। पानी सूखेगा भी नहीं तुरंत, पानी तुरंत सूखेगा भी नहीं, अलग अलग दिखेगा। अरे कटोरी में लेना, जिसमें सारा आटा रखा है उसमें पानी मत डालना, नहीं मम्मी बहुत कूटेंगी। हाँ मतलब थोड़ा सा आटा निकाल लेना कटोरी में, उसमें 4-5 बूंद नहीं 10 बूंद पानी डालना कम से कम, भाई 10-20 बूंद, जिससे कुछ जाना ही पड़े, फिर देखोगे पानी अलग भरा रहेगा, आटा अलग। इसके अलावा तुम अगर तुम दूध में वही पानी डाल दो तब क्या तुम्हें दूध में पानी दिखेगा अलग अलग, बोलो दिखेगा कि दूध में पानी डाले हो आया दिख रहा है इकट्ठा हुआ है, नहीं ना, हाँ नहीं दिखेगा ना बच्चा। रविकेश कुमार पढ़ लो बेटा पढ़ लो, नहीं तुमको तो हम क्या कहें, तुम्हारा आगे क्या होगा तुम सोच नहीं रहे हो, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, लेकिन आपका क्या होगा जनाब याली, जो यहाँ चैटिंग कर रहे हो मस्ती से, लव यू लाइक यू कर रहे हो ना, मैं सब देख रहा हूँ बहुत दिन से देख रहा हूँ, पढ़ लो अच्छा है, नहीं पढ़ोगे तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, तुम देख रहे हो दर्शक हमारे बने हैं, लेकिन तुम्हारा क्या होगा उसके बारे में तुम एक मिनट सोच लो अपने बारे में कि क्या होगा तुम्हारा आगे। चलो तो बात करते हैं आगे, अगर पानी दूध में डालोगे तो नहीं दिखेगा, अगर वही पानी आटा में डालोगे दिखेगा, क्योंकि वो निलंबित रहेगा, पानी और दूध अलग अलग नहीं दिखेगा, लेकिन पानी और आटा अगर आपस में मिलाओगे तो अलग अलग दिखेगा, क्योंकि निलंबन है ये प्रक्रिया, निलंबन में क्या होता है कण एक दूसरे पे अस्पष्ट दिखाई देते हैं। पानी में तेल डालोगे या तेल में पानी डालोगे, नहीं पानी में तेल डालना, तेल में पानी नहीं, हाँ तो इसमें भी तुम्हें तेल और पानी अलग अलग दिखेगा। इसके अलावा चाक, चाक जानते हो, चाक कितने लोग जानते हैं बोलो, यस ये चाक वर्ड सुने हो, चाक एक मिट्टी की तरह होता है, उससे ऐसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, पहले बचपन में लिखा जाता था, हम लोगों की बहुत यादें जुड़ी हैं, याद करके दिल बहुत दुखी होता है। हम लोग के घर में रेडियो चलता था, अब ना तुम लोग रेडियो देखे हो गए अधिकांश बच्चे, ना चाक देखे हो जो नए जमाने के पैदा हैं, हाँ तो हम लोग जाते थे घर से ना, गुरु जी बोलते थे जा बेटा बैटरी ले आओ घर से, तो बोर्ड काला करना है, तो हम लोग जाते थे जो रेडियो में चलती हुई बैटरी रहती थी ना कभी कभी उसको ही निकाल लाते थे, क्योंकि गुरु जी बोले रहते थे, और फिर भैया लोग पापा लोग बड़ी कुटाई करते थे, बहुत लतियाते थे, कहते थे बैटरी कहाँ हो गई रेडियो की, अच्छा अच्छा वो ले गया होगा, वो स्कूल ले गया होगा, अच्छा यहाँ 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 शाम को टाइम हुआ रेडियो की बैटरी ले गया, नहीं हमें पता ही नहीं हम तो स्कूल गए थे, लेकिन उन्हें तो पता है ना कि इसके अलावा निकालेगा कौन। तो
क्या करते थे, बैटरी फोड़ करके उसमें से काला काला निकाल करके उसको घोल करके उसको बोर्ड पे पोतते थे, सूख जाता था, एकदम ब्लैक हो जाता था, उस पर चाक से लिखा जाता था, है ना। तो ये थी चाक की हिस्ट्री। देखो ये चीज़ें इंटरेस्टेड हैं, आपको जानना चाहिए। हो सकता है इसमें अधिकांश बच्चे 2007-08 के पैदा होंगे तो उन लोगों को चाक और मिट्टी वाला ये सब मामला नहीं पता होगा, लिखा जाता है। उसके पहले अगर और पीछे चलें, पापा लोग पढ़ते थे, तख्ती होती थी इतनी बड़ी, जैसे आपकी कॉपी है ना उतनी बड़ी लकड़ी की एक पट्टी होती थी, उस पर ब्लैक कलर का पोता होता था। वो लोग तख्ती में एक रस्सी बांध के गटाई में लटका के जाते थे पढ़ने, जैसे तुम झोला लटकाते हो ना 20 किलो वाला, वैसे वो सिर्फ एक तख्ती लटका के जाते थे बस, बाकी कुछ नहीं। तख्ती एक लकड़ी का पटरा होता था छोटा सा, उसी में काला रहता था बस। ये सब पुराना इतिहास है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जो लोग बोल रहे हैं आज भी लिखा जाता है, हाँ बहुत सारे स्कूलों में लिखा जाता है, जो सरकारी स्कूल हैं या फिर बहुत सारे गरीब स्कूल हैं, कहने का मतलब जहाँ पे कोई अपडेट नहीं हो रहा है, लोग पैसा बचा रहे हैं वहाँ पे। बाकी जहाँ पर आधुनिक तरीका है वहाँ पर अधिकांश या तो वाइट बोर्ड लगा है या डिजिटल बोर्ड लगा है, डिजिटल बोर्ड। हाँ तो ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया सिस्टम, इसे मैं ऑन कर देता हूँ। चलो तो आगे हम क्या बात कर रहे थे कि चाक, हाँ चाक और पानी का जो मिश्रण है वो भी निलंबन का एक उदाहरण है, ठीक है। चाक और पानी का जो मिश्रण है वो भी निलंबन का एक उदाहरण है। अगर तुम चाक में पानी डालोगे तो वो घुलेगा नहीं, एकदम से नहीं, भरा रहेगा अलग, पानी अलग, चाक अलग तुम्हें दिखेगा, ठीक है ना बच्चा। महेंद्र साख्या कुछ समझ में आ रहा है, हाँ नीरज बेटा समझ में आ रहा है कुछ, अरे कुछ तुम्हें थोड़ा बहुत तो दिमाग में घुस रहा है कि नहीं। देखो अब हम पढ़ेंगे निलंबन के गुण, हाँ निलंबन के गुण चलो पढ़ते हैं, आखिर ये निलंबन के क्या गुण होते हैं। थोड़ा सा रुको, तो तुम लोग कर क्या रहे हो भाई। प्रिया शर्मा जी देखिए, जो कह रहा मेरा बर्थडे है ना, इसका कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि बस लोग इसके पीछे लगे रहे भाई, फालतू का काम ना करो, हाँ फालतू का काम ना करो, अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा नहीं करोगे तो, ठीक है। तो एक बात ये बताओ बच्चा, जो मैंने पढ़ाया निलंबन वो तुम्हें कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत कि नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आया ना। अगर आया तो चलो आगे देखो। आभा त्रिपाठी बहुत जल्दी से पढ़ना शुरू किया था, आपके पापा का स्कूल है, अच्छी बात है, बढ़िया है, फिर आपके पापा जी काफ़ी बड़े आदमी हैं फिर, हाँ चलिए। तो निलंबन के जो गुण हैं उसको पढ़ते हैं। निलंबन के गुण में आप लोग समझ लो पहले एक एक पॉइंट बेटा। निलंबन जो है पहला नंबर तो एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। विषमांगी मिश्रण तुम जानते हो, जिसमें दोनों जो विलय और विलायक हैं वह पूरी तरह से ना घुलें, दोनों अलग अलग दिखें, वो क्या होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। निलंबन के गुण में दूसरा गुण क्या है बेटा, दूसरा गुण, गुण का मतलब प्रॉपर्टी, जो पढ़े हो बस वही। जैसे तुम्हारा क्या गुण है, यहाँ पर कुछ ऐसे गधे टाइप के हैं जिनका गुण है कि वो आएंगे तो केवल चैटिंग करेंगे, वो पढ़ाई नहीं करेंगे, ये उनका गुण है। कुछ बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, उनका ये गुण है कि वो सारी किताब कॉपी लेके नहीं जाएंगे, नहीं नेता बन के जाएंगे, हाँ हीरो हीरोइन बन के जाएंगे, बढ़िया मेकअप वेकअप मार के एक आध कॉपी किताब ले लेंगे बस। गुरुजी पूछेंगे साइंस की बुक लाया, नहीं, अरे गुरुजी भूल गए, आज तो मैं भूल गई हूँ, कल लेके आऊँगी पक्का प्रॉमिस, हाँ। तो ये उनका गुण होता है, वो पीछे बैठे रहेंगे, गपशप करते रहेंगे, क्लास आगे चलती रहेगी, पीछे फुसुर फुसुर करते रहेंगे, ये उनका गुण है। फेल हो जाएंगे रोएंगे, ये उनका गुण है, ठीक है। तो ये मैं तुम लोगों में से कुछ लोगों का गुण इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग खुल जाए कि हाँ पढ़ाई करना है। तो बच्चा निलंबन का पहला गुण है कि ये विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा गुण इसका होता है कि ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं, क्या होते हैं, विजिबल होते हैं एक प्रकार से, ठीक है। और तीसरा गुण है, तीसरे गुण क्या है बच्चा, देखो ये निलंबित जो कण होते हैं ये प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, अर्थात उसका मार्ग जो है वो दृष्टिगोचर हो जाता है। अब ये कैसे फैला देते हैं प्रकाश की किरण, इसके लिए मुझे आपको एक प्रयोग बताना पड़ेगा, एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा।
ये चैप्टर खत्म हो जाने दो, देखो हमारी कोशिश है पहले और दूसरे चैप्टर के सारे प्रयोग आपको करके दिखा देंगे सामने आपके कैमरे के, हमें कुछ चीज़ें खरीद के लानी पड़ेंगी, दिखा देंगे ठीक है। तो बस सुन लो, बस लिखना नहीं है, समझ लो थोड़ा बहुत जो समझने वाली बात है, उसके बाद इसका PDF मिल जाएगा बच्चा, ठीक है। PBR स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, उस पर PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम क्या है, कैसे ज्वाइन करते हैं, अगर नहीं जानकारी है तो आप YouTube पे सर्च करना PBR स्टडी टेलीग्राम, YouTube पर PBR स्टडी टेलीग्राम सर्च करोगे, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा जिसमें सब कुछ बताया गया है, ठीक है। सारी जानकारी वहाँ बताई गई कैसे करना है, बस जाके कर लेना। चलो आगे है कि जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, मतलब विषमांगी मिश्रण का तुम गुण जन्वय करते हो। जैसे मान लो तुम कंकड़ पत्थर पानी में घोर लिए, हाँ लोहे की गोलियां घोर लिए या कांच की गोलियां पानी में डाल दिए, तो क्या होगा, कुछ गोलियां तो तुरंत बैठ जाएंगी पानी में, कुछ समय बाद कुछ बैठ जाएंगी। या फिर ऐसे ले लो तुम पानी में चना डाल दो या मटर डाल दो, तो क्या होगा, अधिकांश तो तुरंत डूब जाएंगे और कुछ जो है पानी में फूलने के बाद डूब जाएंगे, यानी वो क्या होंगे, एक प्रकार से उनके कण नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन वो क्या होंगे, विजिबल होंगे, तुम्हें दिखेगा, लेकिन सिर्फ विषमांगी मिश्रण, क्योंकि सिर्फ विषमांगी मिश्रण ही निलंबन होते हैं बेटा, समांगी में ऐसा नहीं होगा। हाँ समांगी में ऐसा नहीं होगा, अगर तुम दूध में पानी डालोगे, पानी में दूध डालोगे, तुम्हें अलग अलग नहीं दिखेगा बैठा है उठा है, हाँ ठीक है, समझ रहे हो ना। आगे क्या है, हाँ इनको छान करके अलग किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया ना विषमांगी मिश्रण जो आपस में नहीं घुलते हैं भैया, उनको छन्नी से छान सकते हो तुम। उदाहरण के लिए जान लो दूध में मक्खी गिर जाती है, देखे हो नहीं, हाँ चटनी बन जाती है ना, कुछ लोग वहीं से चटक जाते हैं, तो दूध में मक्खी गिरती है तो क्या है, दूध और मक्खी एक विषमांगी मिश्रण हो गया। ऐसा नहीं कि मक्खी गिरेगी तो उसमें घुल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहाँ चली गई, हाँ लेकिन दूध में पानी गिरेगा तो घुल जाएगा, नहीं पता चल, मतलब पता नहीं चलेगा। तो मक्खी को क्या करेंगे हम लोग, दूध को छानेंगे तो मक्खी अलग हो जाएगी। कौनों मछली है ज़्यादा देर तक गिर जाए ना, डूब भी जाए दूध में, पता नहीं चलत कहाँ है गिरी कि नहीं गिरी, हाँ। तो दूध और मक्खी क्या है, विषमांगी मिश्रण है। जब हम दूध को छानते हैं तो मक्खी अलग हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि विषमांगी मिश्रण को छान करके अलग किया जा सकता है। एवं संख्या बेटा तुम बहुत नालायक टाइप के हो, पता नहीं कैसे तुम आ गए इस धरती पे, हमें तो ये भी सोच के अफसोस होता है कि पता नहीं किसी प्लान से आए हो, बिना प्लान से आ गए। कभी कभी ये सब डिस्टर्ब कर देते हैं ना, मुसीबत ये है, क्योंकि ये कमेंट करेंगे सिर्फ चैटिंग करेंगे, या तो इन्हें ब्लॉक कर दो परमानेंट बेटा, चलो निकल लो। हाँ तो आप क्या पढ़ रहे हो, निलंबन के गुण में एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला क्या है कि ये विषमांगी मिश्रण होता है, दूसरा ये है कि निलंबन में क्या होता बेटा, इनके जो कण होते हैं वो विजिबल होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं, आँखों से देखे जा सकते हैं, घुलते नहीं आपस में। अगला है कि निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। ये तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, थोड़ा एक्सपेरिमेंट तब समझ में आएगा दृष्टिगोचर क्या है, मार्ग कैसे फैल जाता है, वो सब देखोगे ऐसे समझ में आएगा इसको। ये इस पॉइंट को नज़रअंदाज करो। अगला पॉइंट सुनो, जब हम निलंबन को यानी कि ये एक प्रकार से विषमांगी मिश्रण को खाली छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, जैसे पानी में मान लो कोई ऐसी वस्तु डाल दो जो घुले ना, तो पानी हिलता रहेगा, पहले रख दोगे तो कुछ देर बाद शांत हो जाएगा, तो क्या होगा, वो जो कण आपने डाला है, जो वस्तु ना घुलने वाली है, उसमें से अधिकांश हो सकता है पानी में डूब जाए। हाँ जैसे मखाना, जानते हो कि नहीं, मखाना पानी में भिगो के देखो, सोयाबीन जो हम लोग खाते नहीं, छोटी सोयाबीन बड़ी सोयाबीन, अरे सोयाबीन की जो सब्जी बनती है, अरे वो खरी वाली सोयाबीन, हल्की वाली जो 100 ग्राम आती है, हाँ पैकेट में, तो जब उसे हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद उसमें से अधिकांश जो सोयाबीन है नीचे डूब जाते हैं, लेकिन वो घुलते नहीं है कि पानी में घुल के सोयाबीन का घोल बन गया, नहीं। तो ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। कहने का मतलब ये है, इसका अगला गुण है कि जब पानी में हम विषमांगी मिश्रण इनको मिलाते हैं तो वो कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं। तीसरा है निलंबन के गुण, ये होता है कि इनको हम छान करके अलग कर सकते हैं। देखो मैं अलग अलग उदाहरण अलग अलग टाइम पर बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो बेटा जैसे अगर सोयाबीन मिलाया हो पानी में,
तो तुम चाहो तो पानी और सोयाबीन को छानोगे तो पानी अलग हो जाएगा, सोयाबीन अलग हो जाएगी। हाँ अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना बेटा? देखो जो सचिन नाम से कमेंट कर रहे हो ना चौधरी, चौधरी बेटा तुम्हें तुरंत ब्लॉक कर देंगे अभी, सुन रहे हो कि नहीं? अबे लौंडे तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? हाँ ब्लॉक करो इसे भाई, इसे ब्लॉक करो, तुरंत ब्लॉक करो, तुरंत ब्लॉक करो, इसका कमेंट दोबारा नहीं आना चाहिए। देखो तुम एक कमेंट कर रहे हो ठीक है, चल रहा है कुछ देर बाद, तुम पूरी तरह से नालायक हो। जब कापी पेस्ट करते हो ना तो मेरा खून खोल जाता है जान लो, एक एक सेकंड में एक है कमेंट, मतलब यही का कमेंट आए दूसरे का ना है इसमें। तो हम क्या पढ़ रहे थे, निलंबन के गुण। तो बस इतना सा है मुख्य मुख्य, आप समझ ही गए हो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ पीयूष बेटा इंग्लिश की क्लास चलेगी, तुम 15 अगस्त मान लो, इंग्लिश की क्लास तुम 15 अगस्त मान लो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी टीचर की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन तुम जब डंडा कर दियो एकदम से तो फिर क्या करें? हाँ तो ये हो गया निलंबन। तो बच्चा अभी 8 बजे से आपकी अगली क्लास होगी, तुम लोगों का मन भी नहीं लग रहा आज की क्लास में, पढ़ने वाले बच्चे भी कम हैं, तो हमारी कोशिश है कि इस क्लास को यहीं पे एंड किया जाए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ चैटिंग तुम लोग ज़्यादा कर रहे हो, जब नहीं पढ़ना चाहते हो तो क्या मतलब है भाई, चलो 8 बजे वाली क्लास में आओ उसमें चैटिंग करो, तो तुम्हें चैटिंग ही करना, नहीं पढ़ना तो आओ करो वही करो। तो बच्चा ठीक है, अब मैं तुम्हें बता दूं कि साइंस का जो आप रिवीजन क्लास कर सकते हो PVR स्टडी 3.0 चैनल पर, PVR स्टडी 3.0 चैनल पर, किस पे? PVR स्टडी 3.0 चैनल पर तुम रिवाइज कर सकते हो इस क्लास को रात के 8 बजे से। ठीक है, कितना बजे से? रात के 8 बजे से, अगर तुम्हारी कोई क्लास छूट जाती है तो इस पर रिवाइज कर सकते हो। इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना जिससे तुम रिवीजन कर सको। ठीक है, एक काम और करना, अगर तुम्हें सारी क्लास का लिंक चाहिए, सारे क्लास बिल्कुल फ्री में पढ़ना है, तो टेलीग्राम पे PVR स्टडी सर्च करके ज्वाइन करो। ठीक है, टेलीग्राम पे PVR स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लो, मिल जाएगा, उसमें PDF भी मिलता है। अगर तुम्हें नहीं पता कि टेलीग्राम क्या है, PVR स्टडी कैसे ज्वाइन करेंगे, तो तुम YouTube पे क्या लिखो, PVR स्टडी टेलीग्राम, दोनों वर्ड लिखना, PVR स्टडी टेलीग्राम या टेलीग्राम PVR स्टडी, तुम्हें तुरंत सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगा, उसमें सब बताया गया है। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, क्लास को शेयर और लाइक करके जाना बच्चा, जिससे कि अगली क्लास हो सके, या सुबह 8 बजे से कक्षा 10 का मैथ होगा PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर, जिनको पढ़ना है वहाँ पर आ जाओ बच्चा सुबह 8 बजे।